हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच में क्रियात्मक विश्लेषण या फिर अनुसंधान की डायरी लेके आया हूँ। BSTC सेकंड ईयर की है। कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है साथियों। पहले क्रियात्मक अनुसंधान पहले लिखना है विद्यालय का नाम, फिर कौन सी कक्षा के बारे में कार्य किया है, फिर सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों की संख्या और समस्या। क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा किसी क्लास की समस्या के बारे में किया जाता है। ये पॉइंट अगला है, अनुसंधान का विवरण किसने किया है, तो मेरा खुद का नाम है, शैक्षणिक योग्यता है, शिक्षण का अनुभव, कक्षा कुल कितने छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, प्रस्तावना यानी अपने विद्यालय का नाम लिखना, यहाँ पर जिस विद्यालय में आपने इंटर्नशिप की है उसका नाम आएगा, इसकी कक्षा चार के छात्र छात्राएं अंग्रेजी विषय में पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर समस्या का चयन किस प्रकार हमने किया है इसके बारे में लिखा, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा कक्षा चार के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाया गया था, तथा फिर साथ बच्चों को एक एक करके खड़ा करके अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने को कहा गया, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं द्वारा अंग्रेजी विषय में शब्दों को नहीं पढ़ पाना है। इस प्रकार ही अगला है, शोध का उद्देश्य किस प्रकार किया गया, अंग्रेजी भाषा के शैक्षणिक व्यवहारिक पाठ को समझाना, किस प्रकार से अपन समस्या को हल कर सकते हैं, वो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। फिर समस्या का क्षेत्र क्या, शैक्षणिक है, समस्या का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है, मतलब अंग्रेजी विषय को न पढ़ पाने का। फिर कारणों का विश्लेषण किया गया है, किस कारण से ये समस्या आ रही है। अगला है क्रियात्मक परिकल्पना, कल्पना आप क्या कर सकते हैं, अपन क्या क्या क्रियाएं की है इसके ऊपर कल्पना जो की है उसके बारे में बताया गया है। शिक्षक द्वारा छात्रों को अंग्रेजी शब्दों को न पढ़ पाने की समस्या को समझाने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। और भी अपन कोई भी पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें। अगला है योजना क्रियाओं से पूर्व स्थिति, अपन ने मतलब जो योजना बनाई है इस समस्या को खत्म करने की, उससे पहले की विद्यार्थियों की क्या स्थिति थी। और नीचे परिकल्पना परीक्षण रूपरेखा लिखी हुई है। फिर क्रिया जो आरंभ की गई थी, फिर हमने क्या क्या काम किया इसमें अपन, और भी अपन कोई काम किया वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द, ये भी बताया गया है। फिर अपन ने क्या क्या सामग्री काम में ली है, फिर इसमें विधि, इसमें बच्चों को समझाने में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया है, फिर अपन का क्या परिणाम रहा है, और फिर लास्ट में मूल्यांकन। और परिणाम में शोध करने के बाद विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के प्रति अधिक रुचि का विस्तार हुआ, छात्र छात्राएं अधिक प्रभावी ढंग से अंग्रेजी भाषा को पढ़ने लगे, छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ा है। मूल्यांकन में परिणामों से मुझे यह स्पष्ट हुआ है कि छात्रों में शोध के बाद उनमें सभी पक्ष जैसे ज्ञान बोधि कौशल अभिरुचि में परिवर्तन आया है, साथ ही छात्र अंग्रेजी विषय को अधिक सरलता से समझने में लगे हैं और अंग्रेजी भाषा में अपेक्षाकृत पढ़ने लगे। ये क्रियात्मक अनुसंधान या फिर विश्लेषण की डायरी है BSTC सेकंड ईयर की। अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो बना रखी है, जो भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। थैंक यू, कैसा लगा, धन्यवाद। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसा वीडियो लगा।